नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब एनसीबी सवाल दागेगी अनन्या पांडे से, चंकी पांडे की बेटी से। दोनों बचपन के दोस्त हैं आर्यन और अनन्या, और फोन जब्त कर लिया है अनन्या पांडे का पहले ही एनसीबी ने। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिवेश एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिवेश, खबर आ रही है जोनल डायरेक्टर समीर वांकड़े खुद सवाल जवाब करेंगे, जिन पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने इस पूरे केस को बहुत पर्सनल बना लिया है। जब बेल रिजेक्ट हुआ सेशंस कोर्ट से तो उन्होंने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। दिवेश, जी आपको बता दें अंजना जी की समीर वांकड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो हमेशा ही हर केस में खुद इंटरोगेट करते हैं जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं उनको। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हर एक आरोपी को, जो 20 आरोपी हैं, उन्हें भी उन्होंने खुद इंटरोगेट किया है, विटनेसेस से खुद बातचीत की है। और इसी वजह से अब अनन्या पांडे को बुलाया गया है, जब कुछ नया एविडेंस सामने आने की गुंजाइश है। अनन्या पांडे से भी वो खुद बातचीत करेंगे, वीवी सिंह जो कि सुप्रीटेंडेंट हैं आए हुए इस केस के, वो भी मौजूद रहेंगे, और एक महिला एनसीबी कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहेंगी। तीनों की मौजूदगी में ये पूछताछ होगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये सारे सवाल जो अनन्या पांडे को दागे जाएंगे वो उस चैट से रिलेटेड होंगे, जो चैट उनके और आर्यन खान के बीच हैं, और जो चैट एनसीबी ने रिट्रीव किए आर्यन खान के मोबाइल फोन से। इसे एनडीपीएस कोर्ट के सामने भी दिखाया गया था, और अब इसी चैट के तहत पूछताछ होगी अनन्या पांडे से। वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे, ड्रग कंजम्पशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, कहां से ये ड्रग्स मुहैया कराए गए ये भी उनसे पूछा जाएगा, क्या उन्होंने भी ड्रग्स लिया है ये भी उनसे पूछा जाएगा, कितनी दफे कितनी बार ये ड्रग्स लिए गए, कौन कौन से ड्रग्स लिए गए, किस तरीके के ड्रग्स लिए गए, क्या क्या कोड वर्ड्स थे, अन्य सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ये सारे सवाल उन्हें दागे जाएंगे। ये सारे सवाल पूछने के बाद जो भी जवाब अनन्या पांडे देती हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का एविडेंस सामने आएगा, किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगेगा, जिसे वो मुंबई हाई कोर्ट के सामने, पिछली बार जब जी रिया चक्रवर्ती और इन तमाम लोगों का मामला आया था तब बड़े सारे कोड वर्ड निकले थे, क्या क्या था वो सब एक बार अगर आप बताएं, क्या कोड वर्ड वाला मामला इस बार भी आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, इस बार भी कोडवर्ड का मामला सामने आ रहा है। आप अगर याद करें तो जब एनडीपीएस कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही थी तब आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने एक बात कही थी, कोर्ट के सामने रखी थी, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कोर्ट के सामने आई हैं, जो कि चैट्स को रेफर किया जा रहा है वहां पर, ये जो जनरेशन है ये कोड वर्ड्स में बात करती है, तो इस तरीके की लैंग्वेज जो अन्य लोग हैं वो समझ नहीं पाते, इसीलिए उन्हें शक होता है कि ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है, जिसको रोकते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट के सामने ये भी कहा था कि क्या मैं कोर्ट से ये बताऊं कि फुटबॉल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर भी कोड वर्ड्स की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है, इस केस में भी सामने आई है, आर्यन के चैट्स के मामले में भी सामने आई है, और ये सारी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने हुई है, एनडीपीएस कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट हुई थी जिसमें ये सारी बातें रखी गई थी, और उसी तरीके की बातें, और आर्यन के चैट्स को लेकर ही ये बातें हुई थी। तो यहाँ भी अनन्या पांडे से जो पूछताछ होगी वो उसी बात को लेकर हो सकती है, उसी बात से संपर्क, उसी बात से कनेक्टेड ये सारी चीजें हैं, और इसी वजह से कोड वर्ड्स को लेकर फिर बातचीत होगी। जैसा कि पिछले साल हमने देखा था कि सुशांत ड्रग्स मामले में जब अभिनेत्रियों को बुलाया गया था, कुछ टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बुलाया गया था, और उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि जो चैट्स इन्हें मिले हैं और जिस चैट को संदिग्ध समझा जा रहा है, सस्पिशियस समझा जा रहा है, वहाँ पर वो ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रही थी, वो माल का मतलब सिगरेट होता है और बड़ी सिगरेट, छोटी सिगरेट, इस तरीके के बहुत सारे कोडवर्ड्स सामने रखे गए थे। सामने जवाब में अभिनेत्रियों ने, जो टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पूछताछ हुई थी, उन्हें सामने रखा गया था। जल्दी से एक बार चलते हैं हमारे साथ अनन्या पांडे के घर से, लगातार रिपोर्टिंग करें हमारे सहयोगी उमेश। उमेश बताइए किस तरह की हलचल थी आज सुबह से, क्योंकि लॉयर्स के जरिए भी, क्योंकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो कि ऐसे केसेस को बहुत, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनन्या पांडे जब निकली थी उस वक्त की, इस बारे में भी अगर आप जानकारी दें बताएं, जब निकली थी तब भी जबरदस्त हलचल थी उमेश।
जी बिल्कुल, जब से एनसीबी दफ्तर के आपको टोक रही हूं दिवेश, जैसे ही अनन्या वहां पहुंचती है खबर आ रही है पहुंच गई है, इशारा कीजिएगा सीधा आपके पास आएंगे। बोलिए उमेश। एनसीबी तभी से लगातार हलचल उनके घर पर बढ़ गई थी, उसके कुछ देर बाद 2 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन 2 बजे तक कोई हलचल उनके घर नहीं थी। उसके बाद चंकी पांडे, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी, वो कमर्शियली कोई शूट पर बिजी थे, उन्हें जब एनसीबी की तरफ से ये जानकारी मिली कि उनकी बेटी अनन्या को एनसीबी दफ्तर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है आर्यन खान के केस में, तो वो अपना शूट छोड़कर उसके कुछ देर बाद हमने नोटिस किया उनके अपार्टमेंट में, उनके अपार्टमेंट के जो कॉरिडोर में वहां पर उनकी अनन्या आपको टोक रही हूं, हलचल बढ़ गई। दिवेश अनन्या पांडे पहुंच गई क्या? दिवेश जी 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 जी, वो यहां पर अभी एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। आप देख सकती हैं वो जो सफेद गाड़ी यहां पर नजर आ रही है उसी गाड़ी में वो आई है, और अभी वो एनसीबी के दफ्तर तीसरे मंजिल पर, इसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगी। इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहां पर वो पहुंचेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखेड़े उनसे स्वयं पूछताछ करेंगे, वीवी सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, सुप्रिटेंडेंट जो आयो हैं इस केस के, इसके अलावा एक फीमेल कर्मचारी जो एनसीबी के हैं वो वहां पर पूरे वक्त मौजूद रहेंगी, और उनके प्रेजेंस में ही ये पूछताछ की जाएगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। वो सारे चैट्स उन्हें दिखाए जाएंगे जो चैट्स एनसीबी ने बरामद किए हैं, और इन सारे चैट्स के तहत आगे की पूछताछ उनसे हो सकती है, आगे की पूछताछ उनसे होगी। वो सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी, ड्रग कंजम्पशन को लेकर, उन चैट्स को लेकर, और ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर जो भी बातें उनके और आर्यन के बीच हुई वो उनसे पूछी जाएंगी। जो कि हमने बताया था पहले भी कि जो भी सवाल हैं एनसीबी के पास वो सारे सवाल उन्हें दागे जाएंगे, उन्हें पूछे जाएंगे, और उसके बाद जो भी जवाब अनन्या पांडे देती है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है। इस एविडेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा और केस में भी इस एविडेंस का इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। हम फिर से बता दें कि अनन्या पांडे इस केस में अभी किसी भी तरीके की आरोपी नहीं है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है, और पूछताछ के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे उन पर भी कोई कार्यवाही हो सकती है या नहीं, उन पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं, या उन्हें इसके विदेश विदेश हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए वो कार में आ रही है, उनके पिता भी जैसा बताया उमेश ने साथ में है। एक बार अगर आप कमेंट्री कर दें, बताएं जो स्थिति वहां पर इस वक्त बन रही है। ये देखिए गाड़ी से वहां पर उतरते हुए चंकी पांडे एक तरफ और दूसरी तरफ से अनन्या पांडे। अब एनसीबी दफ्तर दोनों जो है, चंकी पांडे बीते दोनों के एक बड़े बड़े स्टार माने जाते थे, वो किसी शूट पर गए हुए थे। चंकी पांडे साथ में हैं और उनकी बेटी अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। दिवेश जी बिल्कुल, अनन्या पांडे कुछ ही वक्त पहले यहां पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं, बलाड एस्टेट मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं। उनके पिता भी उनके साथ हैं, चंकी पांडे जो कि एक जानी माने अभिनेता रह चुके हैं, और इस वक्त वो तीसरी मंजिल पर, इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आप देख सकते हैं, वहां पर अनन्या पांडे से पूछताछ होनी है, वहीं पर उनका एग्जामिनेशन होना है, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ समीर वांखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो स्वयं करेंगे, वीवी सिंह जो कि सुप्रिटेंडेंट हैं आयो हैं एनसीबी के इस केस में, क्रूज ड्रग्स केस में, वो पूछताछ करेंगे, और एक महिला कर्मचारी पूरे वक्त वहां पर मौजूद रहेंगी, उनकी मौजूदगी में ही ये पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि महिला विटनेस या महिला आरोपी जो होते हैं उनकी पूछताछ हमेशा महिला कर्मचारी के प्रेजेंस में ही की जाती है, और इसी वजह से महिला कर्मचारी पूरे वक्त यहीं पर रहेंगी जहां पर उनसे पूछताछ होगी। उन्हें वो सारे चैट्स भी दिखाए जाएंगे जो कि एनसीबी ने रिट्रीव किए हैं, और उसी चैट्स के बेसिस पर उन्हें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल होंगे, क्या आपने आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा है, कितनी बार आर्यन ने आपके सामने ड्रग्स लिया है, क्या आप भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी, ये ड्रग्स कौन मुहैया कराता था, कौन इस ड्रग्स को सप्लाई किया करता था, वो ड्रग पेडलर्स कौन है, कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया गया, कितनी बार ड्रग्स को कंज्यूम किया गया, इस तरीके के सवाल अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे, और इसी पर डिपेंड करता है कि आगे किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है। उनकी स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार है, अनन्या पांडे की स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार है कि क्या कोई
नया एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है या नहीं। जिस तरीके की तैयारी एनसीबी की तरफ से दिख रही है उसमें यही गुंजाइश है। दिस एनसीबी ऑफिस एनी टाइम यू कैन सी द मीडिया गैदर्ड हियर एंड दिस इज द एनसीबी ऑफिस ऑन द फोर्थ फ्लोर व्हिच वी आर शोइंग यू एंड यू कैन सी दैट पीपल आर प्रेजेंट हियर एंड इट यू कैन सी द मीडिया फ्रेंजी आउटसाइड द एनसीबी। या द कार ऑफ अनन्या पांडे हैज रीच्ड, यू कैन सी दिस इज द इनोवा कार, व्हाइट कलर इनोवा कार व्हिच हैज रीच्ड। अनन्या पांडे एंड चंकी पांडे आर सीटेड इन दिस कार, यू कैन सी लाइव visuals from outside NCB office. The police officials are trying to control the crowd. This Innova car is getting parked just outside the NCB office, and you can see any time now Ananya Pandey will get down from this car. This we are showing you live visuals. Ananya Pandey will get down any time from this car. You can see her driver has got, Ananya Pandey comes out, she is wearing a white color kurta, and here she is entering the Ananya. You can see Ananya Pandey entering the NCB office. She has just entered the NCB office, and Chunky Pandey behind her in the blue shirt has entered the NCB office. So here you can see that the questioning of NCB with Ananya Pandey will now start. We have तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कम से कम अब समीर वानखड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं दिवेश, वो पूछताछ करेंगे। अनन्या पांडे जब वहां पूछताछ के लिए आई थी, ये तस्वीरें देखकर उस वक्त की तस्वीरें भी याद आती हैं। पिछली बार भी ऐसे ही केस में सारा अली खान से लेकर सबको समन किया गया था दिवेश पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण सभी को समन किया गया था। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को सुशांत सिंह राजपूत केस में समन किया गया था, जबकि एक अन्य केस जो एनसीबी ने रजिस्टर किया था 15/20 जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सारी अभिनेत्रियों को यहाँ पर कुछ लोगों को पूछताछ की गई थी और कुछ लोगों को एनसीबी का गेस्ट हाउस जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और ये सारे जो एविडेंस उस समय भी एनसीबी ने रिलाई किए थे, जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, समन किया गया था इन लोगों को, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप से ही रिट्रीव की गई थी। उस समय भी व्हाट्सएप के जो कम्युनिकेशन थे उसी को रिलाई करते हुए, उसी पर निर्भर होते हुए इन सारी अभिनेत्रियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद भी एनसीबी ने यह साफ कहा था कि हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, तो ये कहा जा सकता है कि उस केस में भी अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। समीर वानखेड़े का भी यही कहना था कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, हमारी जांच अभी भी जारी है। इस केस में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, 15/20 में कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई, पर जांच अभी भी जारी है और आगे भी बुलाया जा सकता है। उसी तरीके से आज अनन्या पांडे को बुलाया गया है, आर्यन खान गिरफ्त में है, उनके अलावा 19 लोग अन्य जो ड्रग पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट हैं, वो सारे लोग यहाँ पर गिरफ्त में हैं और ये सारे लोग क्रूज ड्रग बस्ट केस में गिरफ्त में हैं अभी एनसीबी के, और तो सारे ही लोग अभी फिलहाल जेल में हैं, सवाल आप बता रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में हैं। उमेश के पास भी एक सेकंड आ रही हूँ। जो सवाल आप बता रहे हैं एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखा दीजिए, आर्य ने कहा और किससे ड्रग्स मंगाए, क्योंकि एनसीबी जिस लाइन पर आगे बढ़ रही है उन्होंने जिस तरह की धाराएं लगाई हैं उसमें पूरे मामले को वो एक सिंडिकेट से भी जोड़ रहे हैं। तो आर्यन कब से ड्रग्स ले रहे हैं उनके बारे में कुछ कोरोबोरेटिव एविडेंस जिसे कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए नहीं होगा, क्या किसी के कन्फेशन यानी किसी के बयान के जरिए भी उसको कोरोबोरेटिव एविडेंस वो साबित करने की कोशिश करेंगे। कोरोबोरेटिव एविडेंस यानी कुछ ऐसी बरामदगी हो या जब्ती वो कर पाए जो कि उस व्हाट्सएप चैट से जिससे वो सही ठहराया जा सके, दिन तारीख इस दिन बात हुई तो फिर उसके आगे क्या हुआ, क्या कोई पार्टी हुई उसके बाद उस पार्टी में कहां पर क्या हुआ था, क्या आप आर्यन खान को जानती हैं, जाहिर तौर पर सभी जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं दोनों, जो माँ है इनकी और गौरी खान है उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती बताई जाती है, दोनों बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती बताई जाती है आर्यन और अनन्या पांडे में। अब जो सवाल दागे जाएंगे वो यही होंगे क्योंकि पुलिस की एक कोशिश होगी, उमेश जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हुए, कोरोबोरेटिव एविडेंस हाईकोर्ट मांगेगा और उन्हें पता है कि उस बेल प्ली के साथ जब आर्यन खान के वकील जाएंगे सतीश मानशिंदे और अमित देसाई वरिष्ठ वकील, तो वो उनको ये वहां पर एनसीबी को कोरोबोरेटिव एविडेंस भी कुछ व्हाट्सएप चैट के साथ देना होगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है।
अब तो 17-18 दिन हो गए आर्यन खान को जेल में, उसी की कवायद ये पूरी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, एनसीबी को सारे एविडेंस देने होंगे। जैसा कि आज जानकारी मिली है कि अनन्या पांडे से भी कुछ चीजें सीज की गई जिसके बारे में कोई जानकारी अब तक ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन उन सारी चीजों को एक तरह से जोड़े, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी जाएगी और वो सारी चीजें पेश की जाएगी। तो इस तरह इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है और इस इन्वेस्टिगेशन को आज थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा अनन्या पांडे की पूछताछ के बाद। अनन्या पांडे अपने स्टेटमेंट में क्या कहती हैं, वो एनसीपी के सवालों का जवाब किस तरह देती हैं, क्या जवाब देती हैं, जैसा कि कई सवालों की लिस्ट जो है एनसीपी तैयार रखे हुए हैं जो अनन्या पांडे से पूछने वाली है, जिसे बाद में आर्यन के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि किन सवालों में कोई मतभेद तो नहीं है, कोई विरोधाभास तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को टैली करके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी उसके साथ साथ जी बिल्कुल, जल्दी से एक बार दिवेश आपसे इस पर कमेंट लेते हुए, क्योंकि आप क्या हासिल कर सकते हैं, अनन्या पांडे को आरोपी बनाया नहीं है दिवेश, लेकिन पूछताछ हो रही है, कोरोबोरेटिव एविडेंस यानी उस व्हाट्सएप चैट के बाद अब आगे क्या वो इकट्ठा कर सकते हैं जिसको वो हाईकोर्ट में रख सके जब बेल की पिटिशन पर सुनवाई शुरू होगी, इस पर ध्यान होगा पूरा। समीर वांगखड़े का, जोनल डायरेक्टर एनसीबी। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ही क्रूशियल एविडेंस होगा जो भी स्टेटमेंट अनन्या पांडे देती हैं, और वो एक कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने। उनसे सारे वो सवाल पूछे जाएंगे जो भी चैट्स में सामने आ रहा है। चैट्स में ड्रग्स के खरीदारी को लेकर बातचीत है, ड्रग्स को कंज्यूम करने को लेकर बातचीत है। तो इस बातचीत को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों व्यक्तियों के बीच में जब यह बातचीत हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करते हैं, ये दोनों ही व्यक्ति ड्रग्स मुहैया कराते हैं, या दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को मदद कर रहे थे ड्रग्स मुहैया कराने में या ड्रग प्रोक्योर करने में, ड्रग्स खरीदने में। तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां पर सारी तारीख दिन से लेकर वो सारे डिटेल्स खंगाले जाएंगे, वो सारी चीजें पूछे जाएंगी अनन्या से, जिससे ये साबित हो सके, ये क्लियर हो सके और ये सपोर्ट किया जा सके कि आर्यन खान ये पहली बार नहीं था कि वो ड्रग्स ले रहे थे, इससे पहले भी वो ड्रग्स लेते आए हैं और इससे पहले भी वो ड्रग्स का सेवन करते आए हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी ड्रग्स का सेवन करते थे, और ड्रग्स कौन मुहैया कराता था अगर वो अनन्या पांडे बता देती हैं तो ये एक बहुत ही पुख्ता एविडेंस समझा जाएगा। इस ये बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल की हियरिंग में ही नहीं पर ट्रायल के वक्त भी आरोपी के खिलाफ यानी आर्यन खान के खिलाफ एक पुख्ता सबूत के तौर पर इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद एनसीबी मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट अनन्या पांडे की रिकॉर्ड करवा सकती है अंडर 164 CRPC। अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देती हैं तो ये एक बहुत ही पुख्ता एविडेंस बन जाता है जिसे वो बाद में बदल भी नहीं सकती। तो अभी जो प्राइमरी एविडेंस एनसीबी रिकॉर्ड करेगी, जो एनसीबी के अफसर समीर वांगखेड़े जोनल डायरेक्टर रिकॉर्ड करेंगे, वो कोरोबरेटिव एविडेंस होगा, उसे इस्तेमाल किया जाएगा केस में, उसे इस्तेमाल किया जाएगा बेल हियरिंग के दौरान, पर बाद में अगर ट्रायल के वक्त भी जरूरत है तो इसी एविडेंस को फिर से, इसी स्टेटमेंट को फिर से एक मैजिस्ट्रेट के सामने अनन्या पांडे को हाजिर कर रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसे ट्रायल के वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर आरोपी के खिलाफ, आर्यन खान के खिलाफ। इससे बहुत कुछ सामने आएगा और इससे केस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कड़ा हो जाएगा और इससे एनसीबी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए एनसीबी दफ्तर पहुंची है अनन्या पांडे, दोस्त दोनों बचपन के। एक बार उमेश आपके जरिए, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी आप लोग कवर करते हैं, चंकी पांडे और शाहरुख खान के परिवार में काफी दोस्ती है, दोनों बच्चों में मतलब आर्यन और अनन्या में भी काफी दोस्ती है, और इसी वजह से ये पूरा केस जिस तरह से उनके व्हाट्सएप चैट के जरिए भी सामने आ रहा है, तो दोनों ही परिवारों पर कह सकते हैं कि एक बहुत मुश्किल की घड़ी भी इस वक्त है। उमेश बिल्कुल, ये आम बात है कि अगर किसी के परिवार के किसी के बच्चे पर एनसीबी शिकंजा कसती है या कोई एजेंसी शिकंजा कसती है या किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है या फिर किसी मामले में कोई रोल हो तो परिवार पर असर पड़ता ही है। और जहां तक बात की जाए शाहरुख खान की, आर्यन को लेकर लगातार चिंतित थे और उसकी एक कहा जाए झलक आपने देखी भी कि आज वो अपने आप को रोक नहीं पाए, आज वो आर्थर रोड जेल जाकर आर्यन से उन्होंने मुलाकात भी की,
तो ये स्नेह ही है अपने बेटे के लिए। और दूसरी तरफ आपने यहाँ पर भी देखा अनन्या पांडे के घर की, अनन्या ने इंतजार किया कि उनके पिताजी कब आए। जब उनके पिता चंकी पांडे घर पहुंचे, उसके कुछ देर बाद अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए निकली। तो बेशक दोनों परिवारों में एक कहा जाए काफी चिंताजनक माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं। और इसके पहले भी हमने देखा कि पूरी इंडस्ट्री, जब जब कोई ऐसा मामला सामने आता है या इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई एप्लीकेंट ऐसी सिचुएशन को फेस करता होता है, तो पूरी इंडस्ट्री उसका सहयोग करती है, उसका सपोर्ट करती है, एक साथ खड़ी हो जाती है। तो अब तक आर्यन को लेकर लगातार मांग उठ रही थी सोशल मीडिया पर, लोग ये कहा जाता है वी स्टैंड विथ आर्यन खान, कई सारी चीजें इंडस्ट्री की तरफ से हो रही थी। कई एक्टर्स ने, सेलिब्रिटीज ने स्टेटमेंट तक दिया कि बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीर अब तक हमने देखी थी इंडस्ट्री में, लेकिन अब अनन्या के बाद अब तस्वीर क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में, एनसीबी की पूछताछ में क्या सामने निकल कर आता है, क्या और कोई बड़े नाम सामने निकल कर आते हैं, या फिर अनन्या की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि पूरी इस जांच को बदल दे। ठीक है, तो चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में एनसीबी उन्हें आरोपी बनाए बिना मोबाइल जब्त करके अब उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर आर्यन खान ड्रग्स रैकेट, ड्रग्स कंजम्पशन यानी ड्रग्स को लेने के पूरे मामले में वो क्या जानती है, आर्यन खान से इस बारे में उनकी क्या बातचीत हुई है। ये वो तमाम सवाल हैं जो एनसीबी के दफ्तर में उनके सामने रखे जाएंगे। इस बीच आपको बता दें जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वांकड़े, जो इस पूरे केस को फॉलो अप कर रहे हैं, उन्होंने ही इससे पहले भी जब रिया चक्रवर्ती का मामला आया था, सारा अली खान से लेकर कई और ऐसी फीमेल स्टार्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उन्होंने पूछताछ की थी। वही एक बार फिर से इस केस में अनन्या पांडे से पूछताछ कर रहे हैं। अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ वहां पर पहुंची है। चंकी पांडे और शाहरुख खान के परिवार में दोस्ती भी है और इसीलिए आर्यन खान और अनन्या पांडे अच्छे दोस्त भी थे। ऐसे में ये पूरा मामला अब जिस तरह से व्हाट्सएप चैट के जरिए आगे बढ़ रहा है, सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को 17 दिन बाद भी बेल नहीं दी है, हाई कोर्ट में उनके वकील बेल की एप्लीकेशन बढ़ा चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये होगा कि एनसीबी को हाई कोर्ट के लिए भी तैयारी रखनी है, बेल के खिलाफ आखिर उनकी क्या दलीलें होंगी, इस बाबत वो तमाम सबूत उठाते हुए आगे रखते हुए, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं बल्कि कोरोबोरेटिव एविडेंस यानी उसके साथ क्या कुछ आप एक्चुअल सही में बरामदगी कर पाए हैं, ये सब चीजें मायने रखेंगी। दिवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए एनसीबी दफ्तर से। दिवेश, कोई अपडेट वहां से आ रहा है क्या? पूछताछ शुरू हो चुकी है और आप बता रहे थे कि कौन कौन से लोग पूछताछ कर रहे हैं और क्या सवाल, दिवेश? जी समीर वांखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, हर उस केस को जो भी एनसीबी रजिस्टर करती है वो उसे पर्सनली सुपरवाइज करते हैं और हर एक आरोपी को भी वो पर्सनली आयो भले ही इंटरोगेट कर लें, एक बार फिर से समीर वांखेड़े खुद उसे इंटरोगेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ नया उनसे निकाला जा सके, कुछ और इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल की जा सके। तो इस बार भी अनन्या पांडे को बुलाया गया है, तो हम जो सुन रहे हैं सूत्रों के मुताबिक कि समीर वांखेड़े खुद मौजूद होंगे, वीवी सिंह जो आयो हैं वो मौजूद होंगे और एनसीबी की एक कर्मचारी, महिला कर्मचारी, वो पूरे समय वहां पर मौजूद रहेंगी जब अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। उनका फोन ले लिया गया है और उसके बाद उसका डम डेटा भी निकाला जाएगा, उससे भी चैट्स रिट्रीव किए जाएंगे। पर हो सकता है कि चैट्स में क्या मिले ये क्या ना मिले ये अभी नहीं जानते एनसीबी के अफसर, पर अभी आगे की जो प्रक्रिया है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि अनन्या पांडे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, वो कॉपरेट करती है या नहीं, अगर वो कॉपरेट करती है तो किस तरीके के उत्तर देती है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि वो आर्यन खान से, आर्यन खान को जानती हैं, आर्यन खान कब कब ड्रग्स लेते थे, उन्होंने कब आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए देखा, क्या वो भी आर्यन खान के साथ ड्रग्स लेती हैं, किस तरीके के ड्रग्स कंज्यूम किए जाते हैं, कौन है वो लोग जो ड्रग्स मुहैया करवाते हैं, ड्रग्स प्रोक्योरमेंट में कौन लोग मदद करते हैं, क्या अन्य कोई दोस्त भी इसमें शामिल है, इसके अलावा और भी जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इन सभी तारों को जोड़कर ही एनसीबी अपनी पूरी जो जांच है, रिपोर्ट है, उसको सामने रखेगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में अब अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है, जो कि चंकी पांडे की बेटी है। अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची और वहां पर उनसे खुद जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े सवाल जवाब कर रहे हैं। आर्यन से चैट को लेकर अनन्या से ये पूछताछ हो रही है। ड्रग्स के पूरे मामले में दिव्येश हमारे सहयोगी, जो कि एनसीबी दफ्तर के बाहर से लगातार आज तक के साथ बने हुए हैं, दिव्येश जिस तरह से
एनसीबी इस पूरे मामले को ले जा रही है। चंकी पांडे भी उनके साथ दिखे वहां पर पहुंचते हुए, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि जिस तरह की जानकारी और जिस तरह के व्हाट्सएप चैट है उनको सामने रखकर समीर वांखड़े आज ये कोशिश करेंगे कि वो कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज और कुछ पुख्ता सबूत कोशिश जमा करने की कोशिश करेंगे समीर वांखेड़े, क्योंकि मंगलवार को आर्यन खान की बेल अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि किस तरीके से कुछ नए सबूत इकट्ठा किए जाएं और नया इन्फॉर्मेशन लाया जाए जो कि कोर्ट के सामने रखा जा सके। एनसीबी को भी अपना जवाब दायर करना होगा कोर्ट में, और क्योंकि इस बेल एप्लीकेशन पर नोटिस ऑलरेडी एनसीबी को दी जा चुकी है और एनसीबी के अफसरों को अपना जवाब जो भी दायर करना है वो उसमें वो सारे एविडेंस पेश करने होंगे कि क्यों बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसमें वो पहले दो कोर्ट्स में जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें आर्यन के खिलाफ सबूत दे चुके हैं, एविडेंस दिखा चुके हैं, व्हाट्सएप चैट दिखा चुके हैं और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी दिखा चुके हैं, पर अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ और पुख्ता एविडेंस दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए अनन्या पांडे उनसे पूछताछ की जा रही है। अनन्या पांडे का नाम व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा सामने आया है और व्हाट्सएप चैट्स जो कि उनके और आर्यन खान के बीच हुई थी, और इसी को देखते हुए आगे पूछताछ की जाएगी। वो सारे सवाल अनन्या से पूछे जाएंगे ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर, ड्रग कंजम्पशन को लेकर, क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं, क्या दोनों ही ड्रग्स कंज्यूम किया करते थे, क्या उन्होंने कभी साथ में ड्रग कंज्यूम किया है, ड्रग्स कौन मुहैया कराता था, ड्रग्स कहां से खरीदे जाते थे, वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे और जो भी वो जवाब देती हैं उसी पर ये निर्भर है कि आगे किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है और इस एविडेंस को वो आगे कोर्ट में पेश कर पाते हैं या नहीं। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ही नहीं रोका जाएगा। अगर अनन्या पांडे कुछ नया एविडेंस देती हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन एनसीबी को मुहैया कराती हैं, तो उनका स्टेटमेंट आगे मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि इस केस के ट्रायल में आगे आर्यन खान के खिलाफ एक सबूत के तौर पर, एक पुख्ता सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अनन्या पांडे के स्टेटमेंट पर ही ये निर्भर है कि आगे एनसीबी उन्हें किस तरीके से, उन पर भी कोई कार्यवाही करती है या नहीं, क्या उनका भी कोई रोल सामने आता है या नहीं। अभी तक सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा उन्हें समन किया गया है, उन्हें व्हाट्सएप चैट्स की वजह से ही समन किया गया है और कोई भी स्टेटमेंट अभी तक उनके खिलाफ जानकारी में नहीं आई है। जो भी एनसीबी के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अनन्या पांडे को अभी तक इस केस में आरोपी नहीं बनाया गया है। विश्व विजय सिंह जो कि इस केस के जांच अधिकारी हैं, उन्होंने भी साफ कहा था कि हम लोगों को विटनेस के तौर पर, सस्पेक्ट के तौर पर बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कल्प्रिट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी हैं, वो शामिल हैं इस गुनाह में, पर ये हो सकता है कि जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले उसके बाद कुछ नए तथ्य सामने आए, नई चीजें सामने आए, जिसके बाद एनसीबी आगे की जो भी कार्रवाई है उसे तय करेगी, आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। अंजना दिवेश, कुछ और स्टार्स की भी बात है कि आर्यन खान के मोबाइल के जरिए, चैट के जरिए कुछ और स्टार्स का, क्या इस बारे में दिवेश कुछ जानकारी एनसीबी के अधिकारी दे रहे हैं? जी अभी तक कोई भी नाम मुहैया नहीं करवाया है एनसीबी के अधिकारियों ने, वो नाम नहीं बता रहे हैं, पर जी ये जरूर बताया गया है कि बहुत से ऐसे चैट्स हैं जो कि आर्यन खान के फोन से रिट्रीव किए गए थे और इन सारे चैट्स को देखा जा रहा था। कुछ और उनके दोस्तों के नाम सामने आए हैं, बहुत से उनके दोस्त हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बहुत से उनके दोस्त हैं जो बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो डेब्यू कर चुके हैं बॉलीवुड की फिल्मों में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, पर नाम आधिकारिक तौर पर नाम अभी तक एनसीबी ने जाहिर नहीं किया है। एनसीबी ने नाम किसी का भी नहीं बताया है। अनन्या पांडे का भी नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया था। जब अनन्या पांडे को नोटिस दी गई, उन्हें समन दिया गया, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने नाम सामने लाया। तभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया था। सिर्फ यही बात सामने आई थी कि आर्यन के
फोन से कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जहां पर वो एक से दो उनकी जो महिला मित्र हैं उनसे संपर्क में थे, उनसे व्हाट्सएप चैट कर रहे थे। उनमें से एक डेब्यूटेंट एक्ट्रेस हैं, एक बॉलीवुड में एक उभरती अदाकारा हैं और उनसे पूछताछ की जा सकती है, यही बात सामने आई थी। पर आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने नाम जाहिर नहीं किया था, नाम सामने नहीं दिया था। अभी जब उन्हें समन दिया गया तब ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आई कि अनन्या पांडे को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन्हें एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, उनकी एग्जामिनेशन एनसीबी के अफसरों द्वारा की जाएगी, समीर वांगखेड़े खुद वो एग्जामिनेशन करेंगे। और अभी जो हमें अभी अभी जानकारी मिली है उनकी पूछताछ शुरू हो गई है। चंकी पांडे उनके साथ नहीं है, चंकी पांडे को अलग जगह पर बैठाया गया है और अलग जगह पर अनन्या पांडे, वीवी सिंह जो कि आए हैं इस केस के, समीर वांगखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं और एक महिला अधिकारी जो कि एनसीबी में कार्यरत हैं, उन्हें वहां पर रखकर अनन्या पांडे से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक क्वेश्चनेयर जो कि आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया था कि एक क्वेश्चनेयर बनाया गया है अनन्या पांडे से, उसी क्वेश्चनेयर के तहत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यूटेंट एक्ट्रेस के तौर पर अनन्या पांडे, उनके पिता तो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में चंकी पांडे रहे हैं और बीते दिन के एक बड़े स्टार के भी तौर पर रहे हैं, लेकिन अनन्या पांडे की तो बस अभी एंट्री हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनन्या पांडे बस अभी एक उभरती अदाकारा है, कुछ फिल्में उन्होंने की हैं, कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ उन्होंने फिल्में की हैं, बड़े बैनर्स की फिल्में की हैं और एक उभरती अदाकारा के तौर पर वो सामने आई हैं। इसी वजह से उन्हें कामयाबी भी कुछ उनकी नई फिल्मों में, फिल्मों के द्वारा मिली है और उन वो एक मुकाम पर पहुंच चुकी है, एक मुकाम भी उन्होंने हासिल किया है एज अ डेब्यूटेंट एक्ट्रेस। बट अभी अभी उनका करियर शुरू हुआ है और उसी बीच उन्हें एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, एनसीबी के सामने बुलाया गया है, आज उनकी स्टेटमेंट हो रही है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। अभी तक उन्हें आरोपी इस केस में करार नहीं दिया गया है, वो किसी भी तरह से इस केस में अक्यूज के तौर पर उन्हें नहीं बुलाया गया है, अभी उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिनेशन के बाद ही एजेंसी ये तय करेगी कि किस तरह की कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए या नहीं। वो आयोग का भी डिस्क्रिप्शन होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं कि उन्हें विटनेस बनाया जाए या अक्यूज बनाया जाए। बहुत समय ऐसा भी देखा गया है कि केस में अगर क्राइम एक होता है छोटा सा, अगर ड्रग कंजम्पशन का भी क्राइम है तो बहुत समय आयो डिस्क्रिप्शन के तौर पर बहुत से लोगों को विटनेस बना देते हैं। उनका रोल अगर छोटा होता है, रोल थोड़ा सा होता है उस केस में, तो उन्हें विटनेस बना दिया जाता है केस में, पर एक इम्पॉर्टेंट विटनेस के तौर पर उन्हें केस में इस्तेमाल किया जाता है, उनका रोल होता है उस केस में, क्योंकि उनका बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत। और एक बार अगर 164 सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया तो उस स्टेटमेंट से वो पलट नहीं सकती, उस स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस कोर्ट में ट्रायल के समय इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अनन्या पांडे की प्राइमरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, इस स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आगे अगर वो कॉपरेट करती हैं तो हो सकता है कि एनसीबी उनकी 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। अगर वो कॉपरेट करती हैं, अगर वो नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो आगे की कार्रवाई एनसीबी डिसाइड करेगी, आगे की कार्रवाई जो भी है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन जो भी है एनसीबी के अधिकारी डिसाइड करेंगे। और आधिकारिक तौर पर उन्हें विटनेस बनाया जाए या फिर उन्हें एग्जामिन करके छोड़ दिया जाए या फिर से एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाए, दोबारा भी बुलाया जा सकता है, तीन बार भी बुलाया जा सकता है, एग्जामिनेशन के लिए बार बार बुलाया जा सकता है एनसीबी में, पर आज के पूछताछ के बाद ही ये निर्भर होगा, इसी पर ये निर्भर है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है, एजेंसी के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगता है या नहीं, कोई नया एविडेंस उनके हाथ पूरी बातचीत है दिवेश, इसमें दिवेश इसमें बड़ा सोच समझ कर बताना होगा। जी दिवेश, ये जो पूरी चैट वाली बात है उस पर बहुत ही सोच समझ कर आज बोलना होगा, क्योंकि ये जो भी आज उनका बयान रहेगा उससे फिर वो पलट नहीं सकती हैं एनसीबी के अधिकारियों के सामने, तो बहुत सोच समझ कर, इसीलिए मुझे लगता है ये वक्त भी जो लिया गया, ये पूरी कानूनी रूप से कैसे क्या कहा जाए, बड़ा नाप तोल कर एनसीबी के सामने बोलने की तैयारी होगी। जी 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 बिल्कुल, आपने एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है यहाँ पर, और ये जरूर हो सकता है कि जो समय लिया गया, उन्हें 2 बजे बुलाया गया था पर वो उसके बाद बहुत देर बाद आई हैं, पर ये भी हो सकता है कि वो लीगल काउंसिल ले रही थी, एडवाइस ले रही थी, किसी का सजेशन ले रही थी, किसी कुछ वकीलों से उन्होंने संपर्क किया, उनके परिवार ने संपर्क किया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आना है या स्टेटमेंट देना है या नहीं देना है, अगर जाना है तो क्या बोलना है, क्या बताना है, इस बारे में परिवार से भी चर्चा हुई, वकीलों से भी चर्चा हुई हो सकती है, और लीगल काउंसिल लीगल एडवाइस भी ली गई हो सकती है कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करना है, किस तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर अब निर्भर यही करता है क्योंकि एनसीबी के अफसर ये रोज करते हैं, ये रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है और रोज वो लोगों से पूछताछ करते हैं, रोज इंटरोगेशन करते हैं, तो वो इस चीज में माहिर हैं कि लोगों से इंफॉर्मेशन किस तरीके से मुहैया कराई जाए, उनसे इंफॉर्मेशन किस तरीके से बाहर निकाली जाए, तो जब वो ग्रिल करेंगे, जब वो इंटरोगेशन करेंगे, जब वो पूछताछ करेंगे, तो उनका फोकस इसी चीज पे रहेगा कि किसी तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन आर्यन खान के खिलाफ या इस केस से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन वो हासिल कर सकते हैं अनन्या पांडे से, वो हासिल की जाए और उसे इस केस में इस्तेमाल किया जाए, एक एविडेंस के तौर पर उसे सामने रखा जाए, यही कोशिश रहेगी एनसीबी के अफसरों की। सेंट्रल एजेंसी है, ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, रोज वो यही काम करते हैं, रोज लोगों से पूछताछ करते हैं, तो वो इस चीज में माहिर है। बिल्कुल दिवेश, आते रहेंगे आपके पास, बने रहिए, हमारे तमाम सहयोगी डटे हुए अलग अलग जगहों पर जहां से जानकारी इस वक्त मुंबई से आ रही है, बड़ी खबर जरूर है, लेकिन इसी के साथ ये केस कितना बड़ा बनवा पाती है, एनसीबी कितने सबूत इकट्ठा कर पाती है, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। हम